Hello students, in this video, today we are going to learn about a chapter from your English reader book, chapter 2, The Elephant and His Friends of class 2. So let's begin. One day an elephant wandered into a forest. He wanted to make some friends. तो एक दिन क्या होता है, एक हाथी जंगल में ऐसे ही घूम रहा होता है और उसको कुछ दोस्त बनाने होते हैं. He saw a monkey on a tree. Will you be my friend? Asked the elephant. So then, क्या होता है? वो एक मंकी को एक पेड़ पे देखता है और उसको पूछता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? वो हाथी उसको पूछता है. The monkey replied, No, you are too big. You cannot swing from trees like me. तो क्या होता है, बंदर क्या रिप्लाई करता है, नो तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा बड़े हो. एक हाथी साइज में तो बहुत ही बड़ा होता है ना, और एक बंदर बहुत ही छोटा होता है कंपेयरिंग टू अ हाथी. तो बोलता है कि तुम मेरे तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जंप ऐसे स्विंग नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट द एलिफेंट मेट अ रैबिट. तो नेक्स्ट क्या होता है, हाथी एक खरगोश से मिलता है. ही आस्क्ड द रैबिट, Will you be my friend? तो फिर से हाथी खरगोश को पूछता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? The rabbit said, We can't be friends. You are too big to play with me in my burrow. तो क्या होता है, फिर खरगोश क्या रिप्लाई करता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा बड़े हो मेरे साथ मेरे घर में. बरो क्या होता है, जहां पे खरगोश रहते हैं. ओके, हाउस ऑफ ए होल हुअर रैबिट्स लिव, मतलब खरगोश का घर. तो वो तो बहुत मिट्टी के अंदर होता है वो बरो. तो हाथी बहुत ही ज्यादा बड़ा है उसके अंदर जाने के लिए. तो खरगोश कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बड़े हो मेरे साथ मेरे घर में खेलने के लिए. देन द एलिफेंट मेट अ फ्रॉग. तो फिर क्या होता है, हाथी एक मेंढक से मिलता है. विल यू बी माई फ्रेंड, फिर से पूछता है उसको, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ही आस्क्ड, Now can I? Asked the frog. You are too big to leap about like me. तो उसको फिर मेंढक क्या रिप्लाई देता है, How can I? मतलब मैं क्या तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा बड़े हो मेरे तरह इधर से उधर कूदने के लिए, क्योंकि मेंढक क्या करते हैं, जंप करते हैं ऐसे. ठीक है. The elephant was sad. तो क्या होता है, हाथी बहुत ही दुखी हो जाता है. Then he met a fox. फिर किसे मिलता है, एक लोमड़ी से मिलता है. Will you be my friend? फिर से लोमड़ी को पूछता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? He asks the fox. The fox said, Sorry sir, but you are too big. तो सारे जंगल के जितने भी जानवर है सब उसको अपना दोस्त बनाने से नकारते हैं क्योंकि वो आकार में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है. एक मतलब खरगोश के बुरो में खेलने घर में खेलने के लिए, मेंढक की तरह जंप करने के लिए, या लोमड़ी की तरह फॉक्स की तरह उसके साथ घूमने के लिए. ठीक है, तो ये होता है स्टोरी. द नेक्स्ट डे द एलिफेंट सॉ ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट रनिंग हियर एंड देयर. तो नेक्स्ट डे क्या होता है, अगले दिन हाथी क्या देखता है, जंगल के जितने भी जानवर है सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं. He asked them, What is the matter? तो वो सबको पूछता है, क्या बात क्या है, तुम सब लोग यहाँ से यहाँ दौड़ क्यों रहे हो? A bear replied, breathing heavily. तो वो एक क्या भालू उसको reply करता, मतलब answer देता है, मतलब बहुत जोर से सांस लेते हुए. A tiger has entered our forest. तो उसको क्या बोलता है कि एक शेर जंगल में घुस चुका था. He is trying to eat us all up. और वो सारे जानवरों को खाना चाहता है क्योंकि टाइगर एनिमल्स ही खाते हैं, तो वो सबको खाना चाहता था. So all the animals are running away to hide. और सब जानवर इधर उधर दौड़ रहे हैं खुद को छुपाने के लिए ताकि शेर उनको ना खा जाए. The elephant wondered what he could do to help everyone in the forest. अब हाथी सोचता है कि मतलब सबको थोड़ा हेल्प करने के लिए वो क्या कर सकता है जंगल में सभी को मदद करने के लिए. द टाइगर केप्ट ईटिंग अप ऑल दोस हुम ही फाउंड. और वो जिसको भी सामने मिल जाता था उसके खा जाता था.
देन द एलिफेंट सॉ द टाइगर. तो क्या होता है नेक्स्ट, क्या होता है, हाथी जो है वो शेर को देखता है. ही वॉक्ड अप टू द टाइगर एंड सेड, और वो शेर के सामने जाके उसे बोलता है, प्लीज मिस्टर टाइगर डू नॉट ईट दिस पोर एनिमल्स. और वो शेर को बोलता है, मतलब उसको प्लीज करता है कि आप प्लीज इन जानवरों को मत खाइए. माइंड योर ओन बिजनेस growled द टाइगर, और टाइगर बहुत गुस्से में बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो. द एलिफेंट टोल्ड द टाइगर दैट द एनिमल्स वेयर स्कैर्ड बट द टाइगर डिड नॉट लिसन टू हिम. दिस अपसेट द एलिफेंट. और फिर क्या होता है, हाथी शेर को बोलता है कि सारे जानवर बहुत ही डरे हुए हैं, बट शेर बिल्कुल भी नहीं सुनता है, और इसके बाद हाथी बहुत ही दुखी हो जाता है. मिस्टर टाइगर आई एम बेगिंग यू प्लीज स्टॉप और सेड द एलिफेंट स्टर्नली. फिर क्या होता है, हाथी उसको बेग करता है, कहते प्लीज, मतलब आप छोड़ दीजिए, आप मत कीजिए ऐसा, सबको खाना मत छोड़ दीजिए, आप ऐसा मत कीजिए. और what will you do if I don't stop, roared the tiger angrily. फिर शेर गुस्से से बोलता है, क्या करोगे अगर मैं नहीं रुकता हूँ सबको खाने के लिए, मैं सबको खा जाऊंगा, वो गुस्से से और बोलता है. This left the elephant with no choice. He decided to teach the tiger a lesson. और उसके बाद क्या होता है, हाथी के पास और कोई चारा नहीं रहता है, और वो सोचता है कि वो शेर को एक सबक सिखाने की बहुत ही जरूरत है. ही लिफ्टेड हिज स्ट्रॉन्ग लेग एंड गेव द टाइगर अ माइटी किक. और क्या होता है कि वो अपना पूरा, मतलब जो शक्तिशाली पैर होता है, उसको उठा के शेर को एक लात मार देता है. द टाइगर वेन फ्लाइंग ऑफ, और वो टाइगर जो शेर होता है वो कहीं दूर जाके गिर जाता है. द फ्राइटेंड टाइगर रैन अवे, और फिर क्या होता है, वो डरा हुआ शेर भाग जाता है. ही रैन राइट आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वॉज नेवर सीन अगेन. और वो बाहर, मतलब जंगल से पूरा बाहर ही निकल जाता है, और उसको कभी भी कोई नहीं देख पाता है. देन द एलिफेंट वॉक्ड बैक स्लोली टू अनाउंस द गुड न्यूज टू एवरीवन. और फिर वो क्या करता है, हाथी वो सबको ये अच्छी खबर देने के लिए चला जाता है कि शेर जंगल से भाग चुका है. ऑल द एनिमल्स थैंक्ड हिम, सारे भी जितने भी जानवर है जंगल के उसे शुक्रिया बोलते हैं. दे सेड यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी आवर फ्रेंड, और बोलता है कि तुम एक परफेक्ट आकार के हो हमारे दोस्त बनने के लिए. तो यही होता है. तो इससे हमें क्या मिलता है सबक के, मतलब दोस्त बनाने के लिए कोई, मतलब क्राइटेरिया नहीं होता है कि मतलब लाइक यू शुड दोस्त ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है. दोस्त दोस्त ही होता है. पहले देखो, हाथी को सबने दोस्त बनाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो आकार में बड़ा था, है ना. पर बाद में क्या होता है, उसी आकार के वजह से जितने भी जंगल के जानवर थे अपने विपत्ति से निकल आते हैं. सो क्या होता है, दोस्त बनाने का कोई वो नहीं होता है, हमें दोस्त सबको ही बनाना चाहिए. थैंक यू. दिस वॉज द लेसन अबाउट द एलिफेंट एंड हिज फ्रेंड्स. थैंक यू एवरीवन, एंड स्टे होम, स्टे सेफ.